नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस वीडियो में देखिए सायरा ब्लॉक के वार्ड संख्या 10 का चुनावी माहौल, कौन लड़ रहे हैं चुनाव और कौन किसका दे रहा है साथ, क्या है वार्ड क्षेत्र की मांगे और क्या है प्रत्याशियों की घोषणाएं। वार्ड संख्या 10 सामान्य महिला आरक्षित सीट है। इस वार्ड में तरपाल व सुआवतों का गुड़ा ग्राम पंचायत का भाग शामिल है। यहां कांग्रेस के टिकट पर विष्णु कुंवर व भाजपा के टिकट पर पवन कुंवर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पक्ष के लोग पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वार्ड संख्या 10 में कौन कौन लड़ रहे हैं चुनाव? चंपा भाई और विष्णु कुंवर कांग्रेस से। हमारे यहाँ से कांग्रेस से तो विष्णु कुंवर है, बीजेपी का भी पर्चा देखा नहीं है। विष्णु कुंवर है, वाइफ ऑफ गोविंद सिंह जी। अच्छा। और सेकंड कैंडिडेट है पवन कुंवर है। तो यहाँ होता है विष्णु कुंवर। अच्छा। ना बीजेपी हूँ पवन कुंवर। दो जन लड़े बीजेपी कांग्रेस, दो जन है तो पवन कुंवर है। छोटा वो नाम नहीं जानता उनका, क्या नाम है? दो है, एक तो कांग्रेस है और एक बीजेपी लड़ रहे हैं, पवन कुंवर विष्णु कुंवर। पवन कुमार है, एक एक कोई नाम है यार, नाम होगा। एक तो अपने विष्णु कुंवर और एक पवन कुंवर बीजेपी हूँ। किसका बनेगा बोर्ड? बीजेपी का बनेगा। कांग्रेस का ही बना है? कांग्रेस की। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा? देखो हवा दोनों की बराबर चल रही है, अभी किसका बोर्ड बनेगा ये मैं कह नहीं सकता। बीजेपी का बनेगा लोग? बीजेपी का। सायरा के अंदर 31 में से 28 सरपंच कांग्रेस के हैं और 3 बीजेपी के हैं, तो आपके सामने पता पड़ा बोर्ड तो कांग्रेस के बोर्ड बनेगा? पंचायत समिति कांग्रेस के बनेंगे। सायरा पंचायत समिति अंदर 31 पंचायतों में से हम 26 पे हम कांग्रेस के हैं। क्या है वार्ड संख्या 10 की मूलभूत आवश्यकताएं? नल पानी रू माने सब मोटी समस्या है। वार्ड में पानी की योजना भी बाकी है, अभी तक तो मेन मुद्दा यही है, पानी की बहुत समस्या है। 8 साल से हेडपम्प खराब है, पानी भी अच्छा है, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन ठीक नहीं करते। काम तो काफ़ी बाकी है, नालियों के है काफ़ी है, बहुत सारे ऐसे काम है जो मतलब पेंडिंग पड़े हैं। 8 साल में कोई काम नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे भी हैं तो मतलब होने बाकी हैं, अभी तो कुछ हो कुछ नहीं रहा है फिलहाल। तो पहले बीजेपी का प्रधान था यहाँ, तो यहाँ पे तरपाल ले लास्ट पंचायत पड़ती है, यहाँ पे उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया, गंदगी का आलम फैला हुआ है यहाँ। अब कांग्रेस का सरपंच आया है, अब आने वाले जो भी वोट बनता है कांग्रेस का, उसके बाद इस समस्या को सबका निराकरण किया जाएगा। बहुत सारी समस्या है, लोग पानी के लिए भी इधर उधर तरस रहे हैं, पानी ना तो कोई नल की बराबर व्यवस्था है या फिर ये हैंडपम्प वगैरह वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, और सफाई के बारे में कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, पानी नहीं आ रहा है। हमारी समस्या यही है, 6 महीने से बंद है यहाँ पे। सब बोले वही नहीं आता कि मैं खराब हो खराब है ना, कहीं नहीं वही के बाद में कुछ नहीं भाव नहीं पूछने का। अभी पानी की सुविधा नहीं है और सड़क भी नहीं है हमारे वहाँ, और बहुत अधूरा है काम जो पूरा करना। बहुत सारा काम बाकी है, पानी की भी तकलीफ है और रोडों की भी तकलीफ है। सामाजिक लगभग बहुत किचन में चलते हैं हम, और स्टैंड पे हमारे पेशाब करने का शौचालय भी नहीं है, कोई लेडीजें आती है वो भी दुखी है बेचारी, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तो स्थानीय मुद्दे, और वैसे तो हमारे यहाँ तो गांव का नेतृत्व ठाकुर भगवत सिंह जी करते हैं, और उसके नाम पे उन्होंने सरपंच को 352 मतों से विजय करवाया उन्होंने, और आने वाले टाइम पे भी वहाँ पंचायत समिति सदस्य 1000 वोट से जीतेगा। तरपाल गांव में पहुंची हमारी टीम ने स्थानीय सरपंच खीमाराम गमेती, ग्रामीणों व प्रचार कर रहे लोगों से चर्चा की। काम तो सब कुछ अभी बाकी है, जब सरकार बनेगी तब काम सब शुरू होगा। लोग झूठे वादे करके जा रहे हैं, भाजपा वाले झूठे वादे कर रहे हैं, उनके पास राज नहीं है। बना कैसे देंगे? अपने पास आएंगे तो झूठे वादे किए हुए हैं, यहां से बनेगा ना, यहां से पानी झूठ बोल के आगे 5 साल तक झूठ बोल के इन्होंने तरपाल गांव में कोई विकास नहीं करवाया। और कभी आज दम तक जो एमएलए बना हुआ है भाजपा का एमएलए है, वो कभी तरपाल गांव में नहीं आया, मुंह भी नहीं बताया, मुंह पतंग नहीं देखा उसने जीतने के बाद। यह भाजपा प्रत्याशी तरपाल गांव की पवन कुंवर का मकान है। पवन कुंवर हमारी टीम को घर पर ही मिल गई, टीम ने इनसे बात की। पवन कुंवर ने पूरे दावे के साथ कहा कि गांव के लोगों का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगी। मेरे पार्टी बहुत ताकड़ है और बहुत घूम रही है, कोई तकलीफ नहीं, घर घर फरे रही हूँ और कई करूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ। चुनाव में आपके क्या क्या फायदे? ये कटी काम काज वही तो करा दूंगा, कहीं कहीं कह रहा फायदो दे सरकार तो करूंगा, हाँ पूरा कर दूंगा, हाँ
काम मैं बनूंगा करूंगा काम, पानी की समस्या सब दूर करूंगा और नाले बनाऊंगा साफ, गंदगी सब बेहद कर दूंगा। चुनाव के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आप लोगों को? समझाना पड़ रहा है, जल सुविधा करवाने के लिए मैं आश्वासन दे रहा हूँ, रोड नहीं है जहाँ रोड करवाने के लिए कह रहा हूँ। पिछला कार्यकाल भाजपा का था, फायदा मिल रहा है या विरोध मिल रहा है, क्या सामना करना पड़ रहा है आपको? नहीं, विरोध तो कुछ नहीं मिल रहा, फायदा ही मिल रहा है, फायदा ही है। काम करवाया सरपंच ने तो, काम किया है उसने, बहुत कुछ काम किया है, सब सुविधा की है उसने, क्या सुविधा नहीं की है। नौ पनघट करवाई है, सीसी रोड करवाए हैं, गौरवपथ करवाया है, भवन करवाए हैं, बहुत कुछ करवाया है सरपंच साहब ने। चुनाव लड़ने के लिए बहुत चुनौती आ रही है, समस्या ये है कि इस बार सरपंच हमारा नहीं जीत पाया। वो मुख्य चुनौती ये है कि सरपंच साहब हमारे पक्ष के नहीं है, इसलिए थोड़ा लोगों को समझाने में समस्या आ रही है। यह कांग्रेस प्रत्याशी विष्णु कुंवर का मकान है। विष्णु कुंवर चुनाव प्रचार पर नजरें बनाए रखने के साथ घर के कामों में जुटी हुई थी। विष्णु कुंवर न केवल घरेलू कार्य करती है बल्कि पशुपालन भी करती है। कांग्रेस के भगवत सिंह जाला सहित कांग्रेस की पूरी टीम इनका चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। दौरे रिया मैं मेरे साथ है। कणी कणी वादों आप चुनाव लड़ रहे? पानी समस्या है, लाइट की समस्या है, सब दूर करो। चुनाव जीतने के लिए हम फुल तैयारी कर रहे हैं, गांव के लोग भी हमारे साथ है और वर्चस्व भी हमारा ज़्यादा ही है, तो गांव के सपोर्ट से हम जीतेंगे। पिछला कार्यकाल भाजपा का रहा है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है तो लोग विरोध में हैं, तो रुझान हमारी तरफ ही है, क्योंकि उस कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है, जो भी हो रहा है वो अधूरा पड़ा है, कहीं हुआ ही नहीं है, ना शौचालय बना है 5 साल में, जो कचरा पात्र है वो भी बंद पड़े हैं। बिल्कुल हमारा वोट बनेगा, लोगों का रुझान हमारी तरफ ही है और हम दावे से कह रहे हैं कि हम जो भी काम बाकी हैं गांव में, जो जिस तरह का बाकी है हम पूरा करेंगे। कोई भी समस्या है तो हम बैठेंगे, लोगों का समाधान करेंगे और लोग हमारे प्रति हैं तो हम पूरा रुझान हमारी तरफ और हम जीतेंगे। अब हमारी टीम पहुंची सुहावतों का गुड़ा चौराहे पर, यहाँ स्थानीय सरपंच सुषमा गमेती से बात की जो कांग्रेस के समर्थन में प्रचार कर रही है। वहीं कई ग्रामीणों से भी यहां चर्चा की गई। हवा कंडी चली रही है? पवन कुमारी कंडी चली रही है? पवन कुमारी हवा तो कांग्रेस री चल रही है। विष्णु भाई 18 नवंबर को निवर्तमान देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला व पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गराचिया ने तरपाल व सुहावतों का गुड़ा गांव में चुनावी बैठकों को संबोधित किया। इस दौरान बैठकों में मौजूद रहे ग्रामीणों को वार्ड संख्या 8 के कांग्रेस प्रत्याशी नवल सिंह व वार्ड संख्या 10 की प्रत्याशी विष्णु कुंवर सहित जिला परिषद के वार्ड संख्या 43 की प्रत्याशी चंपाबाई को चुनाव जिताने के लिए अपील की। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गराचिया, भगवत सिंह जला, गोविंद सिंह सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। छोटा सरपंच चुनाव एमएलए अपने बच्चा ने नहीं जीते सके, अपने एमएलए आप विकास की बात कर रहा, सरकार कांग्रेस ये बटन कर ही नहीं पाएगा। छोटा चुनाव जनता नकार, तो आप लोगों ने निर्णय करना पड़ेगा कि जनता मने नकार भी है। और जो भारतीय जनता पार्टी राज्य जो दिल्ली में बैठी लगी है, किसान विरोधी कानून पास की, तो जिला परिषद ललित वो लड़ा, क्या नाम है उनको पता भी नहीं है, मैं तो यहाँ आज ही आया बाहर से, उनको ललित वो उनका है, उनसे ले लो उनसे। जिला परिषद के लिए तो है इधर जशनगढ़ से साइड से है, नाम का तो ध्यान नहीं, अभी आया नहीं है, मिले नहीं है। जिला परिषद का नाम दो लड़ रहे है भारतीय जनता पार्टी से, गोपी नवली बाई गमेती है और कांग्रेस से लड़ रही है चंपा भाई। जिला परिषद चंपा भाई है हमारे पढ़ी लिखी। जिला परिषद चंपा भाई, सोशल मीडिया से हमें बहुत फायदा हो रहा है, दूर दूर हमारे भाई जो बैठे हैं वो देख रहे हैं हम कौन खड़ा प्रत्याशी खड़ा हुआ है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जागरूकता होगी कि हाँ भाई ये आदमी सही है तो हम इसके पक्ष में रहेंगे। प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया से, डायरेक्ट पहुँच जा रही है, जहाँ तक नहीं पहुँच पाती है सूरत बाहरी प्रदेशी हैं उनको, उन तक बात पहुँच जा रही है। कुछ फायदा हो रहा है सोशल मीडिया से? फायदा 100% होगा सोशल मीडिया से। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।